मैंने हमारे भाइयों को देख के जिम सीखी है, जिम करना सीखा है। हमारे भाई ईजू बहू, सागर दादा, ये लोग सुबह शाम डेली जिम करते थे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे है आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ये बहुत मैटर करता है। मैंने 75 हार्ड चैलेंज का सीरीज स्टार्ट किया है कुछ सीखने के लिए। मुझे पता था कि मेरे से प्रॉपर फॉलो नहीं होगा, कुछ सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है, और मैं इसको प्रॉपर रूटीन पे लेके आऊंगा। अभी थोड़ा सा अपना रूटीन ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है, लेकिन ये सब बहाने होते हैं। जो डिसिप्लिन के साथ करते हैं उनके लिए ये कुछ मैटर नहीं करता। बट अभी मैं 75 हार्ड चैलेंज का प्रॉपर मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर नहीं पा रहा हूँ। सो लेकिन जल्दी ट्राई करूंगा प्रॉपर करने का और डिसिप्लिन के साथ करने का, क्योंकि जितने दिन भी मैंने 75 चैलेंज के दिन किया है कर रहा हूँ। क्योंकि ना पहले एक्सरसाइज जिम वगैरह कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब से मैं समझा हूँ जिम क्या होता है तब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन जिम में भी मोटिवेशन और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। जिम एक फिटनेस के लिए करना चाहिए, जिसको करियर उसमें करना है, अपना प्रोफेशन उसमें देना है, वही लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं। फिर वो तरह तरह के स्टेरॉइड लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और बिना स्टेरॉइड के किसी की बॉडी नहीं बनती। जो बड़े बड़े बिल्डर है, जो स्टेट लेवल पे खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, ये सब लोग स्टेरॉइड लेते हैं, उनकी नेचुरल बॉडी नहीं होती। इसलिए कभी भी किसी बिल्डर को कंपेयर नहीं करना अपने से। मुझे पता है कब जिम मालूम हुआ, जिम कैसे करते, एक्सरसाइज कैसे करते। मुझे मालूम नहीं था कि जिम कैसे करते, एक्सरसाइज कैसे करते। लेकिन जब हम लोग छोटे थे, मैं शायद 8वीं 9वीं या 10वीं में होगा, मैंने हमारे भाइयों को देख के जिम सीखी है, जिम करना सीखा है। हमारे भाई ईजू बहू, सागर दादा, ये लोग सुबह शाम डेली जिम करते थे, दिन भर खेत में काम करने का या सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करने का। सागर दादा का बहुत शौक था जिम का। वो बेचारा सीमेंट का डंबल बनाता था, प्लेट बनाता था, बेंच लकड़ी का बनाता था, पुलअप्स के लिए पुली वो लकड़ी का बनाता था। बहुत मेहनत करता था जिम के लिए। उसको देख के हम लोग ने जिम करना सीखा है। ये विजू दादा और सागर दादा, ये दोनों बहुत मतलब पागल थे वर्कआउट के लिए, हमेशा जिम करते थे। अभी पता नहीं करते कि नहीं करते, शायद ये वीडियो देखते होंगे। लेकिन ये दोनों को ही देख के मैंने जिम करना सीखा है और अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और यही करते रहेंगे आगे। जिम से आने के बाद नहा धो के रेडी हो गया, खाना पीना खाया, फिर निकल गया ऑफिस के लिए। हे दोन हे ऐसा चल रहा है, दोन चार पीस टाकल सांगा। हे आम चालू
किती भाई का म्हणजे कसं मी वंडेला ठेवतो एका दिवसात आला की लगेच कास्टिंग करून खतम कर दादा। तो चलो आज एक पार्सल मंगाया था मैंने दो दिन पहले अमेजोन से, ये प्रिंटर का इंक है, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत दिन हो गया मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया है, ये चल नहीं रहा है। एक्चुअल में इसका इंक ख़त्म हो गया है, इसलिए हम लोग ने इंक मंगाया था। तो चलो इसको अनबॉक्स करके और फिर इसमें इंक फिल करेंगे, फिर देखते हैं प्रिंट आएगा या नहीं। मे भी प्रिंट तो आना चाहिए, फिर भी एक बार ट्राई करेंगे। और निशान भी इधर दवाई ले रहा है। चिंगम वाली बाटली, चिंगम जैसा तेज, चिंगम जैसा सांस लेते वैसा चिंगम जैसा ही। हाँ ले लिया चिंगम, तेज भी वैसा है क्या? काय काय वो दवा खांसी का? हो और कल कौन सा वार है? कल सैटरडे है ना, कल तेरा एग्जाम है, फटाफट एग्जाम देना, फिर अपन जाएंगे गांव, थोड़ा गांव घूम के आते हैं। बहुत दिन हो गया हम लोग गांव नहीं गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सचिन का शादी हुआ तभी से हम लोग गांव नहीं गए। तो अभी सोचा है कि चलो गांव घूम के आते और थोड़ा हुल्डा बुल्डा खा के आते मक्के का, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब देवी में। तो क्या एग्जाम खत्म हो जाएगा तो क्या? एग्जाम खत्म हो जाएगा देवी में 10 दिन की छुट्टी, तो गांव घूमने जाएंगे। ठीक है चलो अभी खाना खा लेता हूँ मैं, और मैं सो जाता हूँ। और तू सो जा भाई, कल एग्जाम है तेरा। कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है। 5 बजे उठना है। 5 बजे उठना है, रोज 6 बजे उठता है। आज 5 बजे उठने वाला है निशान। कल हाँ सॉरी कल की सुबह रात्रीचे 12 वाजल्याच्या नंतर काय होणार? आता रात्रीचे 12 वाजल्याच्या नंतर काय होणार? AM आणि दुपारी 12 वाजल्याच्या नंतर PM। सो गाइस रात के 12:30 बज रहे, अभी सोने का टाइम हो गया ऑलमोस्ट।
8-10 दिन हो गया अपने सोने का कुछ लिमिट नहीं है, कभी 12 बज रहे, कभी 2 बज रहे, कभी 3 बज रहे। कल तो मैं 1:30 बजे सो गया था और अभी तो बहुत नींद आ रही मुझे, अभी अपना काम ख़त्म हो गया। अच्छा तो सो जाते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टाटा।